गाइस मीठी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं, इन्हें छील कर वॉश कर लिया है और इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ वाला जो इसमें होता है उससे कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाड़ों का सीज़न जाने वाला है तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि एक बार गाजर का हलवा बनाकर ज़रूर खा लिया जाए। वैसे तो कई लोग गाजर को कट करके कुकर में उबाल कर जल्दी से बना लेते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। जो गाजर का हलवा जैसे पहले बनाते थे ना, कि बनाने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगता था, तो उसका मज़ा खाने का भी अलग ही होता था, स्वाद अलग होता है उसका। तो मैं तो टाइम वाला ही बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो लगभग मेरी सभी गाजर घिस गई हैं। तो देखिए इस तरीके से घिस ली है मैंने। अब मैं गैस पर कढ़ाई रख देती हूँ और इसमें मैंने 2 चम्मच करीब देसी घी डाला है। देसी घी गर्म हो गया है, इसमें हमने जो गाजर घिसी हैं उन्हें सबको ऐड कर देंगे। और अब इसे घी में चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। गैस हम अपनी मीडियम ही रखेंगे, स्लो भी नहीं रखनी है और तेज़ भी नहीं। मीडियम पे रखकर पूरा हलवा हमें इसी प्रकार बनाना है। इसे भूनने में करीब हमें 5 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ मैं प्लेट ढक देती हूँ इस पर और इसे कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से ढका रहने देंगे, जिससे हमारी गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ 5 मिनट मेरे कंप्लीट हो गए हैं और गाजर भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ मैंने करीब 1/2 किलो दूध लिया है। ये सुबह का मेरा जो दूध गर्म करके रखा था वही है। इसमें थोड़ी सी मलाई भी आ गई थी तो मैंने वो भी डाल दी है और इसे अच्छे से चलाएंगे। और अब इस पर प्लेट ढककर हम कम से कम 10 मिनट तक कुक होने देंगे। तो यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो आइए देखते हैं कैसा हो रहा है। तो यहाँ देखिए कलर भी गाजर का चेंज होना स्टार्ट हो गया है और दूध भी ऑब्जर्व कर लिया है गाजर ने। तो इसे अच्छे से चला लेते हैं। अच्छे से चलाने के बाद अब हम इस पे दोबारा से प्लेट ढककर 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और देखिए दूध की मात्रा भी काफ़ी कम हो गई है और गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। करीबन हमारा हलवा काफ़ी बन चुका है। इसे अच्छे से चलाएंगे। और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट रखे हैं। वैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स ना भी हों तब भी अच्छा लगता है गाजर का हलवा तो, बट यहाँ मैंने थोड़े से काजू और कुछ बादाम लिए हैं तो वो ऐड कर देते हैं। एक किलो गाजर है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल चीनी ली है भरकर। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी पानी छोड़ेगी अभी, अभी हमें और पकाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसे अच्छे से चला लेते हैं। गाजर का कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। यहाँ चीनी ने भी पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसे प्लेट ढककर 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे कि हलवा कितना तैयार हो चुका है।
ये देखिए 10 मिनट के बाद हलवा हमारा काफ़ी बन ही चुका है, समझिए। इसे अच्छे से चला लेते हैं। अब पानी की मात्रा इसमें बहुत ही कम सी रह गई है। यहाँ मैंने 125 ग्राम खोया लिया था, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस टाइम खोया ऐड कर देते हैं अच्छे से। थोड़ा सा खोया मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिया है और खोए को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेते हैं। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल अच्छा कलर और हलवाई स्टाइल वाला हलवा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर है वो भी ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेते हैं। खोया अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इस पर कोई भी प्लेट नहीं ढकेंगे और गैस को स्लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनते रहेंगे। इस पर हम कोई भी प्लेट नहीं ढकेंगे। तो देखिए 7 से 8 मिनट मेरे करीब हो चुके हैं और कलर कितना अच्छा आया है। और आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा खोया रोका था उसे गार्निशिंग में लगा देते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हलवा कैसा लगा। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स रोक रखे थे उसे भी गार्निशिंग में लगा देते हैं। तो हलवा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, मतलब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए और हलवा मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप ठंडा कर कर भी खा सकते हैं, मैं तो फ़िलहाल यहाँ ठंडा करके ही खाने वाली हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।